नमस्कार मित्रों, गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु नदी घाटी सभ्यता की सुव्यवस्थित नियोजन प्रणाली का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में और हड़प्पा सभ्यता की सामान्य परिचय हमने पढ़ा इससे पहले। आज हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक व्यवस्थित सभ्यता किस प्रकार थी। जैसे आज के समय में कोई भी नगर की बसावट करते हैं तो उस बसावट में उस नगर की तमाम भौतिक सुख सुविधाओं को ध्यान रखा जाता है। जैसे सड़कें बड़ी बड़ी छोटी छोटी गलियों से मिलती हुई, प्रत्येक भवन के आगे नाली निकासी व्यवस्था, प्रत्येक मकान है वो किसी न किसी गली से जुड़ा हुआ होता था। इसके अलावा यहाँ पर कच्ची पक्की ईंटों का प्रयोग करना, उनसे मकान बनाना, मकान भी इस तरह से बनाना कि सभी ऋतुओं में काम आ सके। इस तरह बहुत से ऐसे कारण हम देख सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता को एक सुव्यवस्थित सभ्यता मान सकते हैं। आज हम यहाँ पर इसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं नगर निर्माण के बारे में। तो देखिए, सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें बड़े बड़े नगर अस्तित्व में आए और बड़े बड़े नगरों को स्थापत्य की सुस्पष्ट पद्धति द्वारा बसाया गया था। पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान कई बड़े नगरों को खोजा था, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल मुख्य हैं, और ये सभी नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे। अर्थात जितने भी बड़े नगर थे वे हमेशा किसी न किसी नदी के किनारे पर बसे हुए थे। नदी के किनारे पर बसने का अर्थ है कि उस नगर के निवासियों के लिए पेयजल व सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध हो सके। उस काल में वर्ष पर्यंत पर्याप्त जलपूरित नदियां और जहां एक और व्यापार का भी मुख्य माध्यम थी, अर्थात इन जल मार्ग से व्यापार भी होता था, वहीं ये जीवन यापन के भी आवश्यक उपकरण प्रस्तुत करने में भी सहायक थे। परंतु इस लाभ के साथ हानि की संभावना भी निरंतर रहती थी। जैसे ज़्यादा बारिश होने के कारण इन नदियों में अधिक पानी आ जाता था और वह पानी आसपास के नगरों को तबाह भी कर सकता था। पुरातत्वविद सिंधु नदी घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के पतन में एक कारण अत्यधिक बाढ़ को भी मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से जो खुदाई हुई थी उससे ज्ञात होता है कि इन नगरों की रचना एक निश्चित सुव्यवस्थित योजना के अनुसार की गई थी।
अर्थात मानव जीवन लोगों के निवास को एक सुव्यवस्थित तरीके से बसाने पर ध्यान दिया गया था। इन नगरों के स्थापत्य शिल्प और उनकी आधार योजना में समानता व उच्च कोटि की व्यवस्था देखकर यही लगता है कि सिंधुवासी अपने नगरों का निर्माण पहले योजना बनाकर करते थे और योजना बनाने वाले तथा रचना करने वाले इंजीनियर लोग नगर रचना शास्त्र के अनुभवी ज्ञाता रहे होंगे, अर्थात उन्हें एक सुव्यवस्थित नगर कैसे बसाना है इसकी उन्हें पूर्ण जानकारी होगी, वे एक इंजीनियरिंग के रूप में रहे होंगे। जैसा कि अनेस्ट मैके ने मोहन जोदड़ों के अवशेषों का निरीक्षण किया और उसके बाद बताया कि इस उजड़े शहर के ध्वंसावशों में प्रवेश करते समय निरीक्षक को ऐसा प्रतीत होता है कि लंकाशायर के किसी आधुनिक व्यापारी नगर के ध्वंसावशों से गिरा हुआ हो। अर्थात अनेस्ट मैके जैसे विद्वान भी ये मानते हैं कि जो मोहनजोदड़ो की बसावट है वो ब्रिटेन के लंकाशायर शहर के जैसी बसावट मानी जाती थी। अब ये नगर जो नदियों के किनारे होते थे और नदियों से नगर की सुरक्षा करने के लिए बांध निर्मित होते थे। क्या निर्मित होते थे? बांध। और बांधों का निर्माण भी किया जाता था जिससे नदियों ही नगरों के विनाश का कारण न बने और बांध में पानी है वो लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सके। बाद में हो सकता है कि वो बांध फटने से भी पानी है वो ज़्यादा निकला होगा, ऐसा मान सकते हैं। मोहनजोदड़ो आज सिंधु नदी से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि किसी समय यह उसके तट पर स्थित है। विद्वानों के मतानुसार इस नगर में कम से कम 2 बार बाढ़ आई थी और विनाश के बाद पुराने भग्नावशेषों पर ही यह नगर पुनः बसाया गया था। ऐसा मानते हैं कि इस मोहनजोदड़ो जैसे शहर में लगभग 2 बार बाढ़ आई थी, लेकिन उसके बाद वापस दूसरी बार भी इसको बसाया गया था। इसी प्रकार किसी समय हड़प्पा नगर भी रावी नदी के तट पर था, परंतु आज वह रावी से 9 से 10 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। अर्थात उस समय हो सकता है कि रावी नदी उसके पास से चलती होगी। आज समय के साथ साथ भौगोलिक परिवर्तनों के कारण नदी थोड़ी है वो दूर हो गई होगी। इसी तरह चनुदड़ो भी बाढ़ के प्रकोप का सामना झेलना पड़ा था, चनुदड़ो नगर को भी। और यहाँ से खुदाई में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें बालू के अंश आज भी विद्यमान मिलते हैं, अर्थात जिसमें जो बालू रेत प्राप्त होती हैं उससे भी ये मान सकते हैं कि इन बर्तनों को बालू रेत से बनाया गया था। दूसरा है दुर्ग या गढ़ी। तो देखिए, अब तक किए गए उत्खननों से अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर, सभी शहर केंद्र समान योजना पर आधारित थे। बड़े नगरों के 2 मुख्य भाग होते थे, एक दुर्ग गढ़ी और दूसरा होता था परकोटा। अर्थात जैसे आज भी हम देखते हैं कि शासक अपने निवास के लिए, अपने रहवास के लिए बड़े बड़े दुर्गों का निर्माण करवाते हैं जो प्रायः एक ऊंची पहाड़ी पर बने होते थे। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो बस्ती मिली है वह प्रायः इसी तरह से मिली है कि एक ऊपरी बस्ती और दूसरी निचली बस्ती। हो सकता है कि ऊपरी जो बस्ती है उसमें
उस नगर का उस समय का राजा व राज परिवार निवास करता हो और निचली बस्ती में उस नगर के नागरिक वो निवास करते होंगे, ऐसा माना जा सकता है। तो देखिए, दुर्ग या गढ़ी अथवा कोट जिसमें नगर रक्षक तथा अधिकारी रहा करते थे और तथाकथित निचला शहर जो है जिसमें बस्ती है वो निवास करती थी। फिर है नगर का दूसरा हिस्सा आयताकार बनाया जाता था और दुर्ग का निर्माण शीर्ष नगर से ऊपर उठे ऊंचे चबूतरे पर होता था ताकि ये चबूतरा कभी बाढ़ या आक्रमण के समय उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके। इसके अलावा नगर जो था निचली बस्ती, वह सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वह भी विशेष तौर से परकोटे से घिरी हुई होती थी और आवश्यकता पड़ने पर जब कोई बाहरी आक्रमण होता होगा तो इस परकोटे के द्वार वो बंद कर दिए जाते होंगे, जो इनकी सुव्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। हड़प्पा के कोट के छोर पर एक विशेष रास्ता बना हुआ था जिस पर सैनिक प्रायः गश्त के लिए या सुरक्षा के लिए आते जाते थे। दुर्ग की मोटी दीवारों और बुर्जों से अच्छी तरह से किलेबंदी की गई थी ताकि कोई भी आक्रमणकारी आसानी से नगर में प्रवेश न कर सके। कालीबंगा में उत्खनन से गढ़ी के बाहरी रक्षा पोतों के निर्माण करने वाली ईंटों की एक मोटी दीवार का पता चला है जिसके भीतर धार्मिक अथवा प्रशासनिक कार्यों से संबंधित इमारतें होती होगी। इसके अलावा मोहन जोदड़ो की गढ़ी में भी एक विशाल स्नानागार मिला जो भी धार्मिक इमारत का अंग रहा हुआ होगा। इसी तरह हड़प्पा की गढ़ी के उत्तर में विशाल अन्नागार मिले हैं, अनाज के गोदाम प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में आज की तरह बस्ती दो भागों में थी, ऊपरी बस्ती और निचली बस्ती। ऊपरी बस्ती को प्रायः दुर्ग कहते थे और निचली बस्ती को प्रायः है वो नगर के नाम से जाना जाता था और ये पूर्ण रूप से सुरक्षा के लिहाज से परकोटे से घिरी हुई होती थी। फिर देखिए सड़कें व गलियां, तो हड़प्पा सभ्यता के योजनाबद्ध नगर निर्माण की आधार पीठिका है वह नगरों की प्रमुख सड़कें और गलियां थी। मूलतः समस्त रिहायशी नगर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जाने वाले दो राजमार्गों से था, अर्थात इसमें खुदाई के दौरान उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दो महत्वपूर्ण राजमार्ग प्राप्त हुए हैं और इनको या जो एक दूसरे को प्रायः बीच में समकोण पर काटते हैं और चार समान भागों में विभक्त नगर मिले हैं। इन दोनों राजमार्गों के मिलाप स्थान पर चौराहे बने होते थे जो भी आज के चौराहों की भांति प्रतीत होते हैं। नगर की जो मुख्य सड़कें हैं वो काफ़ी छोटी होती थी और मोहनजोदड़ो में उत्तर से दक्षिण जाने वाला जो राजमार्ग है वह 33 फीट चौड़ा और पूर्व से पश्चिम जाने वाला राजमार्ग है वो इससे भी अधिक चौड़ा है। अर्थात जो मेन मुख्य मुख्य सड़कें थी वे तो बहुत चौड़ी राजमार्ग की तरह होती थी और उन बड़ी सड़कों से
छोटी छोटी गलियां या छोटे छोटे रास्ते निकाले हुए होते थे जो प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के घर के आगे तक विस्तृत होते थे। और ये छोटी गलियां बड़ी सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। उस समय में मिट्टी से ही बने हुए कार्य हैं वो, या मिट्टी से बनी सड़कें होती थी। किसी तरह के पक्की सड़कों की जानकारी हैं वो नहीं मिलती हैं। सड़क के पास में सफाई रखने के भी विशेष इंतजाम मिले थे। कूड़ा करकट सड़क के पास एकत्रित करने के लिए मिट्टी के पात्र रखे जाते थे या गड्ढे खोदे जाते थे। इस तरह की भी जानकारी मिली है जिससे पता लगता है कि हड़प्पा के निवासी विशेष तौर से इन सड़कों को साफ सफाई युक्त रखने का कार्य भी करते थे। सड़क के पास में जगह जगह वृक्ष होने की जानकारी मिलती है जो प्रायः राहगीरों को वहां से चलने पर उन्हें छाया भी प्रदान करते होंगे। ओके।